Assalamualaikum, a very happy lovely morning dear students, how are you all? Janab, कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक, I hope you all are fine, isn't it? Say yes, alhamdulillah, we all are fine. Now we are present in our social studies class. अच्छा ये बताइए, कल हमने उसकी स्टोरी टेलिंग की थी, मैंने आपके साथ पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से रीड किया था. आई होप आप लोगों ने भी रीडिंग की होगी अपनी टीचर के साथ, isn't it? Yes, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे. सो टेक आउट योर बुक्स एंड योर नोटबुक्स एंड योर स्टेशनरी आइटम्स, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है. ओके, सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. व्हाट इवेंट्स, डिस्प्लेस एंड न्यू थिंग्स विल पीपल बी एबल टू सी एट द वर्ल्ड एक्सपो 2020? यानी कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, न्यू थिंग्स होती हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर लोगों को देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो आंसर इज सोशल एंड कल्चरल शोज, डिस्प्लेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड ग्लोबल डेवलपमेंट and opportunities for the future generations, exhibition of trade and products from around the world, architecture ideas will be displayed, awareness and vision of ideas on various fields will be displayed. जी, अब वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारे सोशल, हमारे कल्चर से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हर जिसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन सी नेशंस हैं और उनकी क्या क्या उनकी जो स्पेशल डेज क्या है, किस तरह से वो रहते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, उनकी सकाफती चीज़ें भी मौजूद होती हैं. इसके अलावा टेक्नोलॉजीज जो आजकल क्या क्या यूज़ हो रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए डिफरेंट आइडियाज़ वहाँ पर, यानी कि लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हुई होती हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर रही होती, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, और इसके अलावा लोगों के लिए ट्रेड यानी कि आपकी बिजनेस के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, और इसके अलावा अवेयरनेस दी जाती है कि आप किस तरीके से फ्यूचर में अपने बिजनेस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी अवेयरनेस वहाँ पर दी जाती है कहाँ पर, एक्सपो 2020. ठीक है, व्हाई होल्डिंग, क्वेश्चन नंबर टू है व्हाई होल्डिंग वर्ल्ड एक्सपो 2020 इज इम्पॉर्टेंट फॉर दुबई, व्हाट आर इट्स बेनिफिट. यानी कि ये वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो दुबई के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं. अच्छा, आंसर इज अमंग द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग द एक्सपो इन दुबई इम्पॉर्टेंट बिकॉज इज दुबई इज अ स्मॉल प्लेस बट इट विल बी एन ओनर फॉर दुबई होस्टिंग द वर्ल्ड एक्सपो 2020. अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं, ट्रेड एंड इम्पोर्ट विल इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड. एक तो ये क्योंकि तिजारत जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पूरे वर्ल्ड में. टूरिज्म विल बूस्ट एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस एक्सपो. अच्छा, लोग बहुत दूर दूर से जैसे सैयाह आते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जीबिशन में जाने के उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो इससे क्या होगा कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी, लोग बहुत पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर आएंगे और एग्जीबिशन को एंजॉय करेंगे. नंबर थ्री, कल्चरल इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस विल बी हेल्प commercial knowledge for the people visiting and holding the display.
अच्छा, सकाफती इवेंट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि एग्जीबिशन में मुनक्किद किए जाते हैं। लोग वहाँ पर जाके उन्हें उनसे रिलेट नॉलेज दी जाती है। लोग बहुत खुश होते हैं इस तरह की नॉलेज मिलने पर। लोगों के कल्चर के बारे में जानने का भी दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एग्जीबिशन में मिलती हैं, इसलिए लोग बहुत शौक से आते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नंबर फोर, न्यू वैकेंसीज यानी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर मिलती हैं। जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज विल ओपन फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली दुबई रेजिडेंट्स। वहाँ पर जो न्यू वैकेंसीज आती हैं, अब जाहिर सी बात है जो लोग ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो भी कुछ वैकेंसीज ऑफर करते हैं लोगों को वहाँ पर। जो दुबई में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनके रोज़गार जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस तरीके से दुबई के लिए ये बहुत एहसास की बात है कि पूरा वर्ल्ड का एक एक्सपो जो है वो दुबई में मुनक्किद किया जा रहा है और दुबई उसकी मेज़बानी कर रहा है। Now, question number three. What kinds of display Pakistan should have at World Expo 2020? The answer is, Pakistan has a golden chance to display in every field of advancement as it has friendly relation with UAE and Saudi Arabia. अच्छा, पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है कि वो अपनी तमाम एडवांसमेंट जो एडवांस फील्ड जो भी टेक्नोलॉजीज जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन्स हैं इनके साथ, UAE एंड सऊदी अरेबिया के साथ। तो हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। आर्किटेक्चर, कल्चर, कमर्शियल ट्रेड, लिटरेचर, क्लोथ्स, फैशन, automotive, food, drama and theater etc. are the numerous fields in which Pakistan can present its advantage, its advancement and technologies. ठीक है, अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पाकिस्तान जो है वो अपना यानी सकाफत भी शो कर सकता है। एग्रीकल्चर में हम कितना आगे हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपनी सरजमीन में यानी कि कल्टीवेट कर रहे हैं, और उसके अलावा फैशन, क्लोथ्स, पाकिस्तानी क्लोथ्स और पाकिस्तान का जो फैशन है, पाकिस्तान के फूड्स हैं, ये हम सब वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो इस एक्सपो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर। थिंक ऑफ सम आइडियाज दैट कैन क्रिएट जॉब्स फॉर पीपल। किस किस तरीके से लोगों के लिए वहाँ पर जॉब मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, टूरिज्म में जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बहुत सारे सैयाह आते हैं जिनको गाइड करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब है ये। ठीक है, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, जो लोग वहाँ पर आते हैं तो जाहिर है वो कहाँ पर स्टे करते हैं, वो होटल्स में स्टे करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। स्टाफ, केटरिंग, शेफ्स, इवेंट मैनेजमेंट यानी कि शेफ्स वगैरह भी जो लोग वहाँ पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर होटल्स वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेफ्स भी जो है वो हायर करते हैं ताकि उन लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उनको फूड जो है वो बनाकर पेश कर सकें। इसके अलावा लोकल वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, आर द डिपार्टमेंट वर्किंग फॉर द सक्सेस एंड मैनेजिंग ऑफ सच बिग इवेंट। इतने बड़े इवेंट के लिए तमाम लोगों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अच्छी खासी वहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। दे नीड पीपल ऑन एवरी स्टेप एंड एवरी सिंगल वर्कर has to work for this special event and also after the event in future. This will bring extra jobs created for people. ये सारी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों में जो है लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा जॉब जो है वो मिलती हैं लोगों को, और लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो जनाब, ये क्वेश्चन आंसर्स हमने अपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप अपने से इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोट डाउन अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपनी टीचर से चेक भी करवा लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।